बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम एक नई चीज़ दिखाते हैं, पानी में पकाए जाने वाले करेले। और ये कैसे पकाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज वगैरह, और ये इस शक्ल में करेले काटे गए हैं। इसमें हल्दी और नमक डाल दिया गया है, डाल के रख दिए गए हैं। नमक अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा, फिर इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और मरीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी गई है, हल्दी नमक वाला पानी डाल दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। आप बनाकर देखें, खाकर फिर बताएं, फिर कमेंट करें आपको कैसे लगें। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और दूसरों के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करेले अब पक चुके हैं, उबाल आ चुके हैं। अब करेले पानी से अलग कर लिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें करेले अब उतार के पानी से अलग कर लिए जाएंगे। करेले अलग हो गए हैं, अब घी ऊपर रख के इसमें इनको तला जाएगा। ये फ्राई करके निकाल लिए जाएंगे। इसके बाद इसमें प्याज और दूसरी चीज़ें ऐड की जाएंगी, कटी हुई जो भी हैं। करेले का आयल जो है ये आप रख भी सकते हैं, क्योंकि ये जहाँ दर्दे हों वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ना भी रखना चाहे तब भी कोई बात नहीं, अगर रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। फिर नया आयल डाल लें। करेले फ्राई हो चुके हैं, बस थोड़ी कसर और है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, करेले भी फ्राई हो गए हैं। अब इसमें प्याज डाला जाएगा। सुभान अल्लाह, प्याज इस शक्ल में काटा जाएगा। देखें ये भी डाल दिया गया है। इसको थोड़ा गोल्डन करेंगे। गोल्डन करने के बाद इसमें मसाला चाट ऐड किए जाएंगे। ये अदरक लहसुन भी इसमें डाला जाएगा। ये हल्दी नमक धनिया पाउडर कुटी मिर्च और बारीक मिर्च डाली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अदरक और लहसुन टमाटर वगैरह का पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है, ये भी प्याज में जाएगी। यह सब सीधे प्याज में जाएंगी और मसाला तैयार हो जाएगा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुगर वालों के लिए ख़ास तोहफा है और ख़ास रेसिपी है। ये रेसिपी अभी किसी को बनानी नहीं आती। करेले पके तैयार हो गए हैं, ये देखें। साथ में पुलाव भी लाया गया, चिकन पुलाव, वो करेले का पानी है। ये शुगर के मरीज़ पी सकते हैं, जोड़ों वाले भी पी सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बने हैं। खा कर देखे हैं, टेस्ट किए हैं, आप भी टेस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हैं पानी वाले करेले, पानी में पकाए गए करेले। इसका पानी भी काम आता है और इसका ऑयल भी काम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ज़रूर बनाएं और ये खाएं। इसका पानी शुगर वालों को पिलाएं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद कीजिए, फिर बताएं आपको कैसी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, दुनिया जहान की आखरत की खुशियां अता करें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं। इसलिए मैं जाती हूँ। फ़ीमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।